नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Poco M3 Pro 5G versus Realme 9 5G SE का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो M3 Pro 5G में 6.37 इंच जबकि 9 5G SE में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो M3 Pro 5G में 2.96 इंच जबकि 9 5G SE में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो M3 Pro 5G में 0.35 इंच जबकि 9 5G SE में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो M3 Pro 5G में 190 ग्राम जबकि 9 5G SE में 199 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि M3 Pro 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो M3 Pro 5G में 6.5 इंचेस जबकि 9 5G SE में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन M3 Pro 5G में 1080x2400 और 9 5G SE में 1080x2412 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो M3 Pro 5G में 83.72% जबकि 9 5G SE में 84.39% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो M3 Pro 5G में 405 पिक्सल प्रति इंच जबकि 9 5G SE में 400 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो M3 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और 9 5G SE की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो M3 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 9 5G SE में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो M3 Pro 5G में Mali G57 MC2 जबकि 9 5G SE में Adreno 642L मिलता है। चिपसेट की बात करें तो M3 Pro 5G में MediaTek Dimensity 700MT 6833 और 9 5G SE में Qualcomm Snapdragon 778G मिलता है। बात करें RAM की तो M3 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है, जबकि 9 5G SE में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो M3 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 9 5G SE में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो M3 Pro 5G में 3 कलर्स जबकि 9 5G SE में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो M3 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 15,990 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 95G SE की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Poco M3 Pro 5G में 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme 9 5G SE की तो उसमें 7 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 9 5G SE आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V21 E 5G है, दूसरा Motorola Edge 20 Fusion है, तीसरा EQZ 5 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 9 RT है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।